रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूज़ियम, जिसको हम रेवाड़ी स्टीम लोको शेड भी कहते हैं, और ये जो है बिल्डअप हुआ इन ईयर 1883 एंड दिस इज़ द ओनली सर्वाइविंग स्टीम लोको शेड इन इंडिया। और अगर बात करें लोकेशन की, डिस्टेंस की, तो रेवाड़ी जंक्शन से करीब 400 मीटर की दूरी पे, नॉर्थ एंट्रेंस जो है रेवाड़ी जंक्शन की, उससे करीब 400 मीटर की दूरी पे ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स एच वाई। तो आज ट्रेन लवर्स आ चुके हैं एक हेरिटेज साइट, आप कह सकते हैं इसको रेवाड़ी रेल म्यूज़ियम, जहाँ पर स्टीम लोकोमोटिव्स हैं काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, उनमें भी थे, सब कुछ मैं बताऊँगा आगे इसी व्लॉग में। और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा जो कि फेयरी क्वीन ट्रेन का है, तो उसको देख लीजिए, उसी में जो है मेरा टिकट वगैरह इंक्लूडेड था, और एंड में मैं बता दूंगा कि कितना क्या फेयर है इस म्यूज़ियम का। चलिए शुरू करते हैं एक और मज़ेदार व्लॉग और एक्सप्लोर करते हैं रेवाड़ी का ये हेरिटेज रेल म्यूज़ियम। एंट्रेंस रेवाड़ी स्टीम लोको शेड, या कहें हेरिटेज रेल म्यूज़ियम। तो चलिए अंदर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करते हैं भाई। और यहाँ पर खड़ा हुआ है स्टीम लोकोमोटिव सिंध, और यहाँ पर भी और कई सारे लोकोमोटिव्स हैं, जैसे कि आप देखें, ये देखिए। और यहाँ पर आपको बता दूँ वर्ल्ड के 11th स्टीम लोकोमोटिव्स हैं जो कि अभी भी चलने की कंडीशन में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब वर्ल्ड के 11 लोकोमोटिव्स इस लोको शेड के पास हैं, तो कितना कुछ जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए है। और आपको बता दूं, इस लोको शेड में काफ़ी सारी जो है मूवीज़ वगैरह की भी शूटिंग होती रहती है और हुई भी है, जिनमें से कुछ नामी मूवीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सुल्तान, की एंड का, गदर, एक प्रेम कथा, भाई कुछ बेहतरीन पिक्चर थी। अगर आपने देखी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताओ यार कौन कौन सी देखी है। तीनों ही देखी होंगी जहाँ तक मुझे पता है, लगता है भाई, क्योंकि आखिर तीनों में ट्रेन है। और ट्रेन लवर्स अगर ट्रेन वाली मूवीज़ ना देखें तो भाई क्या देखेंगे, है ना। और चलिए अभी तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, तो अभी तो शुरू है बस ब्लॉग का। तो चलिए अब चलते हैं स्टीम सिमुलेटर में, और एक लोकोमोटिव चलाने का मज़ा क्या होता है चलिए वो देखते हैं अंदर चलकर। अभी हम आ चुके हैं मेंटेनेंस स्टीम सिमुलेटर में, और इसमें देखते हैं क्या है करने को हमारे पास। इसमें जो इंटरनल इसके पार्ट्स होते हैं क्या ना ट्रेन की, स्टीम इंजन की, उसके बारे में दिखाया गया है क्या ना। अच्छा, तो जो भी पाइप सिलेंडर क्या ना, कैसे वाटर पोइल होता है, कैसे स्टीम बनती है, वो सब कुछ होता है इसमें क्या ना। अच्छा,
तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं ट्रेन्स के गार्डन्स में, जहाँ पर जो है छोटी छोटी मतलब ट्रेनें चल रही हैं, पटरियाँ डली हैं। देखो तो पीछे देख रहे हैं छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, तो दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है भाई। मतलब ट्रेन लवर्स और एक दिन में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए ना तो भाई मज़ा आ जाता है। मतलब पहले फेरी क्वीन का जो है राइड, उसके बाद ये लोको शेड, काफ़ी बेहतरीन मज़ा आपको आ सकता है अगर आप ये पूरा जो है टूर लेते हैं तो। तो ये रहा CSMT रेलवे स्टेशन का मॉडल छोटा सा। अभी जो मैंने आपको ट्रेन्स दिखाई बिल्कुल करीब से, ये छोटी छोटी सी ट्रेन्स, वैसे तो वो बोल रहे थे कि अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने थोड़ी सी जो है रिक्वेस्ट करी भाई आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ी और करीब से मैं ये छोटी छोटी ट्रेन्स टॉयज आपको दिखा पाऊँ भाई। इसी बात पर एक लाइक बिल्कुल बनता है यार, ज़रूर बनता है, तो जल्दी कर दो भाई, इंतज़ार मत किया करो किसी बात का। तो यहाँ पर अभी हम एक लोकोमोटिव के अंदर आ चुके हैं जो कि बिल्कुल चालू है, स्टीम वगैरह की आवाज़ भी आ रही है। तो एक बार इंटीरियर और दिखा दूँ मैं आपको कैसा है इस लोकोमोटिव का। और यहाँ पर आप जैसे हीट अप हुआ है, यहाँ पर कोयला जल रहा है, रेड रेड दिख रहा है आपको जैसे ही, और यहाँ पर कोयला वगैरह रखा गया है पीछे की साइड। तो यहाँ पर आपको एक कैंटीन भी मिल जाएगी, जैसे कि ये रही कैंटीन, तो जो भी कुछ खाना पीना हो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो कैफेटेरिया मैंने आपको दिखाया था उसी में जो है काफ़ी चीज़ें आपको रेलवे से रिलेटेड जो है मिल जाएंगी, कुछ रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर जो है पेपर मॉडल लिया है एक डबल डेकर एक्सप्रेस का, और एक मग लिया है, तो आइए आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है। यहाँ पर यह है डबल डेकर का पेपर मॉडल, मैंने दो लिए हैं, एक पड़ेगा आपको 50 रुपीज़ का। और यहाँ पर मग साउथ इंडियन रेलवे, भाई नॉर्थ का मिला ही नहीं, मैं तो हूँ नॉर्थ इंडियन का बट मिला ही नहीं, तो साउथ का ही ले लिया मैंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मग जो है आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का, और साथ में ये फ्री मिल जाएगा आपको बैग, जिस पे की ट्रेन बनी हुई है, नेशनल रेल म्यूज़ियम भी लिखा हुआ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग, और बैक टू बैक ब्लॉग्स बना रहा हूँ मैं भाई, तो इसी बात पे लाइक कर दो यार, मैं बैक टू बैक ही बनाता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ये हेरिटेज रेलवे म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के साथ साथ आपको इस स्टीम लोको शेड भी दिखा दिया मैंने लगे हाथ ही। तो भाई 2-in-1 काम हो गया है, तो अब 2-in-1 काम आप भी करिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, लाइक करें, और लाइक तो आप करते ही हैं मुझे पता है, हर बार करते हैं, तो आज भी कर दीजिए, और शेयर मत करना भूलें किसी के साथ भी जो अभी तक नहीं आया है, या फिर जो भाई ट्रेन लवर्स है हमारी तरह, शेयर करिए, बेहतरीन सबको मज़ा लेने दीजिए भाई, और कमेंट में ज़रूर बताओ भाई मज़ा आया ना वीडियो में, तो बस मज़ा आना चाहिए आपको, बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए यार, और क्या। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे नहीं आया, आ जाइए ट्रेन लवर्स HY इंस्टा ID, वहाँ भी बातचीत होती रहेगी और रिप्लाई हर एक मैसेज का मिलेगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दिस इज़ हिमांशु सेइंग बाय फ्रॉम हेरिटेज रेल म्यूज़ियम, या फिर मैं कहूँ लोको शेड रेवाड़ी। टाटा, बाय बाय।